आप जरा इस पफर फिश के स्केलेटन को देखो, जो इसको बलून जैसे फूलने में मदद करता है। और ये कोई फिंगरप्रिंट नहीं है बल्कि एक आइलैंड है। और अगर लेडी लिबर्टी रियलिटी में होती तो वो कुछ ऐसी दिखती। और कभी आपने ये सोचा है कि हमारे बॉडी का क्या होगा अगर हमारे सारे 206 बोन्स किसी मेटल के साथ बदल दिए जाएं? और क्या है कि हम अलग अलग सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स पर कितने हाइट तक जम कर सकते हैं? आज आप इस यूनिक वीडियो में ऐसे ही ट्रेमेंडस फैक्ट्स को जानने वाले हो जो लिटरली आपका माइंड ब्लो कर देगा। नंबर 30, जब भी आप कंप्यूटर में टाइपिंग करते होंगे तो कई बार आपसे कोई इनकरेक्ट वर्ड टाइप हो जाता होगा और उसे करेक्ट करने के लिए आप में से ज्यादातर लोग बैकस्पेस की को बहुत बार दबाते होंगे। मगर क्या आप जानते हो कि वही इनकरेक्ट वर्ड को आप सिर्फ कंट्रोल प्लस एस्केप दबाकर ही इरेज कर सकते हो। ये कोई भी इनकरेक्ट वर्ड को जल्दी डिलीट कर देगा और आपकी टाइपिंग स्पीड को भी बढ़ा देगा। सो यू मस्ट ट्राई दिस वंस। नंबर 29, आपने आज तक बहुत से फैशनेबल नेल डिजाइन को देखे होंगे, मगर जरा इस नेल डिजाइन को देखो। आप ये जानकर चौंक जाओगे कि नेल डिजाइन किसी मॉडल के नहीं बल्कि जापानीज वीवर्स के हैं, जो हजार साल पुरानी वीविंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है सुमेगाकी सुजुमे ओरी। इस टेक्निक में इंटरकेट डिजाइन्स बनाने के लिए अपने नेल्स को कुछ इस तरह काटते हैं। वाओ। नंबर 28, आपके बचपन में कभी ना कभी कोई बेस्ट फ्रेंड तो होगा ही, या फिर कोई अभी भी है। लेकिन बेस्ट फ्रेंड के बारे में सबसे गजब फैक्ट ये है कि लगभग 91% लोग अडल्ट होने के बाद अपने बचपन के बेस्ट फ्रेंड को इजीली भुला देते हैं। नंबर 27, अब मैं जो फैक्ट बताने वाला हूँ उससे आपको इंटरनेट की यूनिकनेस का अंदाजा हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हो कि अमेज़न वर्ल्ड वाइड नंबर 1 ऑनलाइन स्टोर है, पर क्या आप ये जानते हो कि रियलिटी में अमेज़न का एक भी स्टोर नहीं है? और जिस सोशल प्लेटफॉर्म पर आप इस वीडियो को देख रहे हो यानी यूट्यूब, उसका भी कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। और तो और, आप जो फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल प्लेटफॉर्म्स को चलाते हो वो भी कोई कंटेंट प्रोड्यूस नहीं करते, फिर भी ये सब इंटरनेट की मदद से मल्टी बिलियनर कंपनीज हैं। नंबर 26, फ्रेंच आर्टिस्ट टॉम ब्रिगाडो ब्लैंको अपनी कला में कितने माहिर हैं, इसका अंदाजा आप उनके इस अमेजिंग आर्ट को देखकर पता लगा सकते हो, जिसमें इन्होंने गैस टैंक को ही कितनी सुंदर बड़ी कैट में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। नंबर 25, आप इस 1885 की इस इमेज में जिन तीन वुमेन्स को देख रहे हो वो और कोई नहीं बल्कि इंडिया, सीरिया और जापान की फर्स्ट लाइसेंस फीमेल डॉक्टर्स हैं। मतलब कि इन तीन देशों की पहली फीमेल लाइसेंस डॉक्टर बनी थी। नंबर 24, आप जब भी कोल्ड ड्रिंक्स या सॉस बॉटल्स यूज करते होंगे तो आप में से बहुतों की आदत होगी कि आप उस सॉस बॉटल को अपने दांत से ही ओपन करते होंगे, मगर ये आपकी एक बिग मिस्टेक कैसे बन सकती है आप इस इमेज से अंदाजा लगा सकती हो। आप ऐसा करने से कितना अपने दांत को डैमेज कर सकती हो ये आप यहाँ देख सकते हो। नंबर 23, आपने अलादीन एनिमेटेड कार्टून को तो देखा ही होगा, पर उसमें एक बात क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि जब भी अलादीन कोई झूठ बोलता है तब उसके हैट का फेदर आगे की ओर गिर जाता है। नंबर 22, आप इस इमेज को देखकर किसी टायर को कब रिप्लेस करना है इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हो। ये इमेज टायर के डिफरेंट ग्रोस कंडीशन से टायर की क्या क्वालिटी है उसको बताती है, और आप यहाँ आसानी से इस इमेज में अलग अलग कंडीशन को भी देख सकते हो। नंबर 21, आपने बचपन में कभी ना कभी कार्टून चैनल्स पर टकेशी कासल देखा ही होगा, पर इस शो के बारे में क्या आप एक फैक्ट जानते हो? इसके बारे में सबसे अमेजिंग फैक्ट ये है कि अब तक सिर्फ 8 ही लोग इस शो को जीत पाए हैं। ये नंबर चांद पर पहुंचे ह्यूमन से भी कम है, जो कि है 12। नंबर 20, आपने आज तक न जाने कितने डरावने और अमेजिंग स्नेक्स को देखा होगा, मगर आपने कभी भी इस अमेजिंग कलरफुल स्नेक को नहीं देखा होगा, जिसका नाम है रिगल रिंग स्नेक, और ये ब्राजील में पाया जाता है और ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्नेक्स ऑफ द वर्ल्ड है। नंबर 19, थॉमस अर्ल, शायद ही आपने इस बदकिस्मत इंसान को देखा होगा क्योंकि इसको ठीक वही दिन अपने जॉब से हाथ धोना पड़ा था जिस दिन उसे एक भालू ने अटैक किया था, और लास्टली उसी दिन उसको पुलिस ने भी शूट कर दिया था। नंबर 18, आप पेंगुइन को तो जानते ही होंगे जो कितने क्यूट लगते हैं, लेकिन बहुत से एक्सपर्ट साइंटिस्ट का कहना है कि 40 मिलियन साल पहले पेंगुइन्स इंसानों की हाइट के बराबर होते थे, यानी कि लगभग 6 फीट के बराबर होते थे, और आप यहाँ देख सकते हो कि ये उस टाइम पे कैसे लगते थे। नंबर 17,
लेकिन अगर आप वीडियो गेम्स खेलते हो तो ये फैक्ट लिटरली आपके लिए है। एक बार 10 साल की एक स्टडी की गई जिसमें 19,000 फैमिलीज पर एक्सपेरिमेंट किया गया और उसमें ये पाया गया कि वीडियो गेम्स खेलने से किसी भी चाइल्ड के बिहेवियर पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है अनलेस वो गेम अडल्ट के लिए बनी हो। नंबर 16, एक बार 2006 में एक पोर्टलैंड का एक आदमी ने एक हिटमैन को हायर किया था ताकि वो अपनी 51 ईयर ओल्ड वाइफ को मार सके, पर जब वो हिटमैन उस वाइफ को मारने गया तो उसकी वाइफ ने उस हिटमैन को बिना किसी गन या नाइफ की हेल्प से मार दिया। वह इसलिए बोलते हैं कि मियां बीवी के झगड़े में किसी तीसरे को टांग नहीं अड़ानी चाहिए। नंबर 15, मिलिए रिया बुल्ले से, जिसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो कॉम्पिटिशन में कम्पीट करने के लिए स्पोर्ट शूज को परचेज कर सके, इसलिए उसने अपने पैरों को प्लास्टिक से कुछ इस तरह कवर कर लिया था और उसके ऊपर नाइक का लोगो बना लिया था। और सबसे अनबिलीवेबल बात तो ये है कि उसने इन्हीं बनाए हुए प्लास्टिक कवर से 3 गोल्ड मेडल्स भी जीत लिए, वो भी 400, 800 और 1500 मीटर की रेस में। नंबर 14, आप जरा इस अवार्ड विनिंग फोटो को देखिए जिसमें एक फीमेल हनी भी अपने छत्ते को बचाने के लिए अपने स्टिंग से अटैक कर रही है जिसकी वजह से उसकी मौत भी हो जाएगी क्योंकि ये स्टिंग उसके एब्डोमेन को चीर करके बाहर निकलता है, पर हनी भी को अपने छत्ते को बचाने के लिए ये करना पड़ता है। नंबर 13, एक बार 2015 में एक ऐसी वुमन पाई गई जो अपने घर से 10 साल तक गायब थी और लगभग लोगों ने उसे डेड ही मान लिया था, पर उसको एक इंटरनेट कैफे में ढूंढ लिया गया और उसके बाद ये पता चला कि वो इन 10 सालों में अलग अलग इंटरनेट कैफे में काम करके सिर्फ वीडियो गेम ही खेला करती थी। वाओ, लिटरली इससे बड़ा वीडियो गेम एडिक्ट और कौन हो सकता है। नंबर 12, टेक्सास में एक गांव है जिसका नाम है अर्थ और ये हमारे अर्थ पर एक लौती ऐसी जगह है जिसका ऑफिशियली नाम है अर्थ। वहाँ के लोग भी बोलते होंगे कि हम अर्थ में रहते हैं। नंबर 11, आप जरा इस आदमी को देखो जिसने एक साथ 17 क्लोथ पहन रखे हैं और इसने ये आतंकी हरकत सिर्फ इसलिए की ताकि चाइनीज एयरपोर्ट पर अपने लगेज चार्जेस को बचा सके। फ्रेंड्स, सच में जुगाड़ में चाइना का भी कोई जवाब नहीं। नंबर 8, अगर आपके पास एक ऐसा स्मार्टफोन हो जिसका आप अब ना के बराबर इस्तेमाल करते हो तो आप उसे एल्फ्रेड एंड माउंटिंग जैसे ऐप की हेल्प से सिक्योरिटी कैमरे की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 9, एक बार दो लोगों ने अर्थ सैंडविच बनाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अर्थ सैंडविच कैसे बन सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये दो लोग अर्थ के बिल्कुल दो अपोजिट साइड्स पर एक एक ब्रेड को रख कर ये अमेजिंग कारनामा किए थे। दोस्तों, सैंडविच तो बन गया पर इसे खाएगा कौन? इसका जवाब शायद ये दोनों अभी ढूंढ रहे होंगे। नंबर 8, विक्टोरिया प्राइस जो कि फ्लोरिडा की एक रिपोर्टर है, उनको अपने थायराइड कैंसर के बारे में तब पता चला जब एक व्यूअर ने कोइंसिडेंटली उनके शो को देखा और उसमें उसने उनके नेक के बगल में एक लम को ऑब्जर्व किया और उसके बाद उसने विक्टोरिया प्राइस को मेल करके ये समझाया कि आपको अपना थायराइड चेकअप करवाना चाहिए। नंबर 7, आप अभी अपनी स्क्रीन पर जिन फेदर्स को देख रहे हो वो और किसी के नहीं बल्कि पेंगुइन्स की स्किन के अंदर वाले फेदर्स हैं जो उनको बहुत ही हार्श और कोल्ड कंडीशन में रहने में मदद करते हैं। लिटरली नेचर ने सभी को ऐसे ऐसे गिफ्ट दिए हैं जिनकी उन्हें बहुत ही नीड है। नंबर 6, आप जरा इस अमेजिंग आर्ट को ध्यान से देखो। क्या आपने इसे ध्यान से देख लिया? अब आप थोड़ा अपने फोन को अपसाइड डाउन घुमाओ, क्या आपको कुछ और अमेजिंग दिख रहा है? वाओ, 8 आर्ट्स इन जस्ट 4 पेंटिंग्स। नंबर 5, क्या आप जानते हो कि 1930s में बेबीज को एयरप्लेन में कैसे ट्रैवल किया जाता था? तो आप इस इमेज को देखकर ये जान भी सकते हो और हंस भी सकते हो। बेचारा बेबी भी ये सोच रहा होगा कि तार से घिरा और खजूर में अटका। नंबर 4, एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर जिनका नाम है रॉबर्ट स्कॉट, उनको अंटार्कटिका में एक फ्रूट केक मिला था जो कि 100 साल पुराना था और उस फ्रूट केक की सबसे गजब बात तो ये थी कि वह बैड स्मेल भी नहीं कर रहा था और उसको ऐसे कंडीशन में रखा गया था कि उसको कोई चाहे तो 100 साल के बाद भी खा सकता है। नंबर 3, आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत से माफिया अपने आप को कोर्ट में सही साबित करने के लिए गवाह को ही गायब कर देते हैं, मगर पब्लो एस्कोबार के बारे में क्या कहें? आप यकीन नहीं करोगे कि जब पब्लो एस्कोबार की कोर्ट में सुनवाई हुई थी तब पब्लो एस्कोबार ने किसी गवाह को गायब करने के बदले पूरे कोर्ट को ही गायब कर दिया था।
नंबर टू, अगर आप अर्थ पर एक जंप करो तो आप लगभग 1.5 फीट जंप कर पाओगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अगर आप यही जंप सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट पर लगाते हो तो कितने फीट ऊपर उठ पाते। तो चलिए ये सब इंटरेस्टिंग थिंग्स हम जानते हैं। अगर यही जंप मर्क्यूरी पर लगाते तो आप आसानी से 4 फीट ऊपर उठ पाते, और अगर वीनस पर लगाते हो तो 1.7 फीट ऊपर उठ पाते, क्योंकि वीनस पर लगभग अर्थ जैसी ही ग्रेविटी पाई जाती है। चलिए अब चलते हैं हम अपने सबसे नियरेस्ट प्लेनेट यानी मार्स पर। अगर आप वहाँ जंप लगाते हो तो आप अमेजिंगली 4 फीट ऊंचा उठ पाते। अब मैं आपको कुछ गैसेस प्लैनेट्स पर भी जंप इंफॉर्मेशन बता देता हूँ, मगर आप ये बात याद रखना कि वो प्लैनेट सिर्फ गैस से बने हुए हैं, इसलिए हमें वहाँ पर कोई सॉलिड मीडियम चाहिए होगा। तो चलिए अज्यूम कर लेते हैं कि आप वहाँ किसी सॉलिड मीडियम की हेल्प से जंप कर रहे हो। तो इन गैस प्लैनेट में सबसे पहला नाम आता है जुपिटर का, जहाँ 0.6 फीट ऊंचा जंप लगा सकते हो, और वही सैटर्न पर आप 1.4 फीट जंप लगा सकते हो, और यूरेनस जो कि मोस्टली आइस और बचे हुए कुछ गैस पार्टिकल से बना हुआ है उस पर आप 1.7 फीट जंप लगा सकते हो। मगर जो प्लूटो अब हमारे सोलर सिस्टम का प्लैनेट नहीं है उस पर आप अमेजिंगली 25 फीट ऊंचा जंप लगा सकते हो। वाओ। नंबर वन, क्या आपने कभी ये इमेजिन किया है कि क्या होगा अगर हमारे सारे बोन्स को मेटल से रिप्लेस कर दिया जाए? अगर ऐसा होगा तो सबसे पहले सवाल उठेगा वो होगा कि अगर हम बोन को रिप्लेस करें तो किस मेटल से करेंगे? अगर हम सिंपली आयरन से रिप्लेस कर दें तो उसमें रस्ट भी लग सकता है। तो इसका जवाब है टाइटेनियम, क्योंकि टाइटेनियम में ऐसा मेटल होता है जिसमें रस्ट नहीं लगता और ना ही वो कोई केमिकल रिएक्शन करता है हमारे टिश्यू के साथ। तो चलिए मान भी लेते हैं कि हम टाइटेनियम को अपने बोन से रिप्लेस कर दें, पर जो सबसे पहला डिफिकल्टी होगा वो तो ये होगा कि हमें अपने सारे बोन्स को टाइटेनियम मेटल से रिप्लेस करना होगा, साथ में हमें अपने स्पाइनल कॉर्ड को भी रिप्लेस करना होगा, जिसके सक्सेस होने के चांसेस ना के बराबर है। पर आगे चलकर ऐसा हुआ भी तो हम इंसान और ज्यादा स्ट्रॉन्गर, हार्डर और फास्टर बन जाएंगे, और साथ ही हमारा ब्रेन काफी अच्छे से फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा और हमारा रिएक्शन टाइम काफी बढ़ जाएगा। ये सब इसलिए होगा क्योंकि प्रोटीन, विटामिन जैसे न्यूट्रिएंट्स जो कि बोन्स को चाहिए होते हैं ताकि वो अपने आप को फिट रख सके, वो सारे प्रोटीन और विटामिन हमारे दूसरे टिश्यूज और मसल्स को मिलेंगे। सो सिंपली अगर मैं बोलूं तो अगर इसका सक्सेसफुल मेडिकल ट्रांसप्लांट हो पाता तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होता। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करना मत भूलना। लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।